और सीधे इस वक्त चलते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। शाह महमूद कुरैशी कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। उसमें हमने क्या किया, हमने कंसेंसस बिल्ड किया ऑफ द 57 कंट्रीज ऑफ द इस्लामिक उम्मा और कहा मुझे उन्होंने ये एजाज बख्शा एस चेयर ऑफ द CFM कि मैं OIC क्या दीगर अहम ममालिक से मशावरत के बाद किरदार अदा करूं। चुनांचे सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा से, बहरीन के वजीर खारजा से और कुछ वजीर खारजा से, मैंने तुर्की के वजीर खारजा से मशावरत का अमल जारी किया कि किस तरह पाकिस्तान इस नाहक और जो बेजा लड़ाई हो रही है इससे किस तरह इंसानियत को बचा सकता है। और फिर चीन के वजीर खारजा से बात की और मैं जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था, आई वाज इन चाइना मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड अदर इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। और वहां मैं हाउस को बताना चाहता हूं, मुझे चीन के वजीर खारजा ने कहा वी हैव गिवन थॉट टू व्हाट यू हैव सेड और अगर OIC फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कोई किरदार अदा करना चाहती है तो मुझे स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी ने कहा अंडर योर लीडरशिप चाइना इज विलिंग टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव। दैट वाज अ ग्रेट रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान्स डिप्लोमेटिक रोल। जनाबे वाला मैं आगे चलूं, कम्युनिकेशन का जिक्र हुआ, मोहतरम कायदे इस इख्तलाफ तशरीफ फरमा है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपका बयान सुना, आप फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा है मरासला तो पार्लियामेंट में रखा जाए। आपने फरमाया पार्लियामेंट में रखा जाए, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त नहीं बैठे, उनका भी बयान मैंने सुना, वो फरमाते हैं कि ये फेक है डॉक्यूमेंट, फर्जी है, फरोही है। और फिर मरियम नवाज साहिबा, उनका मैंने बयान सुना, वो फरमाती हैं कि दिस। और देखिए कुरैशी जो बोल रहे थे उसका लबोलुआब यही है कि बाहर से कोशिशें चल रही हैं पाकिस्तान में, US के NSA की तरफ से दबाव की बात उन्होंने कही। उन्होंने यह भी कहा कि गुलामी पसंद है हमारे लोगों को और यही वजह कि इस दबाव में आते हैं। दबाव के बाद हमने स्टैंड लिया, अमेरिकी NSA के फोन कर हमने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई लेकिन हमने स्टैंड लिया। और साथ ही जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने इमरान खान के रूस में मौजूद होने की बात का भी जिक्र किया और कहा कि ये सब पहले से तयशुदा था और ये युद्ध या जंग होने के पहले की बात थी। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि बाहर के दबाव की वजह से क्या पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।